2003 में जो फेस टू फेस हुए थे ना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था पूरा टूर्नामेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने लीग स्टेज से लेके ओवरऑल जितने भी मैच थे उन्होंने सारे विन किए थे। तो 2023 में ऐसे ही हो रहा है कि जैसे मतलब इंडिया भी लीग स्टेज भी सारे मैच जीत गया और अभी सेमीफाइनल भी जीत गया वो, तो आई थिंक मुझे जैसे लग रहा है इंडिया विन करेगा फाइनल। मैक्सवेल की बात करें अफगानिस्तान के मैच में जिस तरह डबल सेंचुरी की मैक्सवेल आज हो रहा है, तो आज मैक्सवेल ने कुछ भी नहीं किया, तो अभी मुझे उनकी कोई टीम ऐसी लगती नहीं। वार्नर वो भी आज नहीं चले, तो इतनी टीम मुझे नहीं लग रही, हल्की है टीम उनकी। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया की टीम में जो है ना टफ है, वो टफ टाइम देंगे ऑस्ट्रेलिया को। आप 2003 की बात करेंगे, 75 साल से हमसे बदला लेने की कर रहे हैं, हम उनके नीचे आ नहीं रहे। अच्छा, वो हमसे किस तरह बदला लेना चाह रहे हैं? और हम तो पहली भाई बहुत नीचे है, हमारी इकॉनमी देख लें, हमारा एजुकेशन सेक्टर देख लें, हम तो ऊपर खड़े हुए हैं। मैं सेक्टर की बात कर रही हूँ, डिफरेंट सेक्टर्स की, जिसमें हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। नहीं, इतनी कोई बात नहीं है। अच्छा। वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आगे ही हैं। इस दफ़ा इंडिया को प्रेशर नहीं है, इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर है, क्योंकि अभी जो सेमीफाइनल हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन बनाने थे, तो वो भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने आगे बनाए हैं। तो अगर 20 रन ज़्यादा होते आए तो शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाता। तो जो इन्होंने इंडिया ने स्कोर बनाया है 400 रन बनाया है सेमीफाइनल में, एक सेमीफाइनल में 400 रन बनाना इतनी आसान बात नहीं होती। तो इंडिया इस दफ़ा प्रेशर नहीं ले रहा, प्रेशर इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को। मैं दुआ मेरी जो है ना पूरी इंडिया के साथ है, मैं सपोर्ट भी इंडिया को कर रहा हूँ। और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा जो है जाएगी वापस खाली आती ट्रॉफी लेकर। इंडिया की ट्रॉफी है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ट्रॉफी इंडिया की ही रहेगी, वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। ये सारा फिक्स है, पहले बदला है वन साइड। इंडिया कैसे आगे आ गया? अच्छा, सारी प्लानिंग है। ऑस्ट्रेलिया इतनी टफ टीम है, देख रहे हैं ना आप, तो ये सारा फिक्स है सर, वन साइड गेम है। उन्होंने इनसे बदला लेने के लिए तो इनको लाए हैं, अब इनको धोएंगे। अच्छा, वो 2003 वाला जोन सा ना, अभी देखिएगा आप ग्राउंड में कैसे होगा। क्रिप्ट चल रहा है शुरू से ही। 2019 में जाएं तो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड ही जीता था। 2015 में जाएं ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक वर्ल्ड कप हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ही जीता था। तो आई थिंक ये स्क्रिप्ट चल रहा है और ये इंडिया ही जीतेगा वर्ल्ड कप। तो फिर मेरा ख्याल है अगला वर्ल्ड कप हम पाकिस्तान में रख लेते हैं, ताकि पाकिस्तान भी जीते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर। आमिर क्या करते हैं आप? मैं बस वेला। वेले हैं, चलें ये भी अच्छा काम है, वेला रहना चाहिए कभी कभी इंसान को। अच्छा आमिर, क्या कहेंगे 20 साल के बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हमें देखने को मिलेंगे। 2003 में आखिरी मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था। तो क्या कहते हैं कि क्या इंडिया 20 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला लेगा? तो ये सारा फिक्स है, पहले बदला है वन साइड। इंडिया कैसे आगे आ गया? अच्छा, सारी प्लानिंग है। ऑस्ट्रेलिया इतनी टफ टीम है, देख रहे हैं ना आप, तो ये सारा फिक्स है सर, वन साइड गेम है। उन्होंने इनसे बदला लेने के लिए तो इनको लाए हैं, अब इनको धोएंगे। अच्छा, वो 2003 वाला जोन सा ना, अभी देखिएगा आप ग्राउंड में कैसे होगा। अच्छा, आपको लगता है कि 2003 का यानी कि 20 साल पहले का बदला लेने के लिए इंडिया ने ये पूरा वर्ल्ड कप फिक्स किया? ऐसी है फिक्स। आप 2003 की बात करेंगे, 75 साल से हमसे बदला लेने की कर रहे हैं, हम उनके नीचे आ नहीं रहे। अच्छा, वो हमसे किस तरह बदला लेना चाह रहे हैं? और हम तो पहली भाई बहुत नीचे है, हमारी इकॉनमी देख लें, हमारा एजुकेशन सेक्टर देख लें, हम तो ऊपर खड़े हुए हैं। मैं सेक्टर की बात कर रही हूँ, डिफरेंट सेक्टर्स की, जिसमें हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। नहीं, इतनी कोई बात नहीं है। अच्छा। वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आगे ही हैं, लेकिन ये है कि हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उनके बच्चे को किसी भी फील्ड में है ना, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। उनके प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ पे लोग बेरोज़गार हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। हर किस्म का टैलेंट पाकिस्तान में, जितना टैलेंट है ना इंडिया में नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। उनको देंगे, रन करेंगे तो पाकिस्तान आगे आएगा। पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ पे हमें दिखाया नीचा गया है कि भाई ये मजदूर है, ये फलाना है, उसका टैलेंट देखो। अच्छा, कोई एक फील्ड बता दें जिसमें आपको लगता है कि हम लोग इंडिया से इस फील्ड में बेहतर हैं। फील्ड कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि हम इंडिया से बेहतर हैं, तो मैंने तो आपसे एक फील्ड पूछी है कि कोई एक फील्ड बता दें। फील्ड नाम लूंगा तो फिर उठा के ले जाएंगे। अच्छा चले, मैच पर वापस आते हैं आमिर, मैच पर वापस आते हैं। मुझे बताएं कि इंडिया पर 19 तारीख को कितना प्रेशर होगा, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ये मैच देखने के लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया ये मैच कभी भी नहीं हार सकती। हार जाएगा, ये कप ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा,
आप देख लीजिएगा। अभी आप कह रहे थे कि पूरा मैच बल्कि पूरा वर्ल्ड कप फिक्स किया गया है। हाँ, इंडिया को जितवाने के लिए नीचे आने वाला नहीं है। अच्छा, उसने ले जाना है कप उसका है, वो धोएंगे इनको बॉलिंग से बैटिंग से। उनकी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग इनको ना डाउन करें, लेकिन नहीं, कप ऑस्ट्रेलिया का, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का। तो इंडिया पर कितना प्रेशर होगा? इंडिया पे हमारी कितनी 24 करोड़ है, उनकी 124 करोड़ है। अच्छा, 1 अरब, इसको करें हाँ, कितना प्रेशर होगा हमारे पे। तो 22-23 करोड़ का प्रेशर आ जाए तो वो वैसे ही डर जाते हैं बेचारे, लेकिन वो गेम को ना गेम समझ के करते हैं, वो पैसे की लालच में नहीं आते, इधर उधर नहीं आते, वो गेम खेलते हैं। हार जीत किस्मत की बात है, लेकिन वो फाइनल तक लड़ते हैं। हमें चांस नहीं दिया जाता, हमें वो बोरी नज़र आती है बैक की, हम लोग कहते हैं यार ठीक है गेंद आ रही है, आउट हो जा, इधर कर दे उधर कर दे, पैसे आ गए गेम छोड़ो, गेम खत्म हो गई है। लेकिन वो गेम को गेम रखते हैं, पैसे को वो एक साइड पे रखा हुआ उन्होंने। यानी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टाकरा देखने को मिलेगा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और बड़ी बात है कि संडे को है, और ये आम रूटीन में होता तो काम यहाँ पे लोग पहले नहीं करते, तो चलो शुक्र है इतवार को उन्होंने रखा है कि कारोबार हो ना हो, मैच ये दिल लगा के देखेंगे बस। और सर्दी है आपको पता, रजाइयों में से निकलना, चाय चाय है, पीनट खाएंगे और मैच देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या कहेंगे, फाइनल में पहुंच गई है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें। 20 साल के बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टाकरा होने जा रहा है। 2003 में हमने लास्ट टाइम इन दोनों को आमने सामने देखा था और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था। 90s के जो बच्चे हैं वो बड़ा हर्ट हुए थे, तो क्या लगता है कि 90s के बच्चों का बदला आज लेगी इंडियन क्रिकेट टीम, यानी 19 तारीख को इन दोनों टीमों से? अगर आप देख रहे, 10 मैच हुए हैं, कल भी एक न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच हुआ, उसमें आप देख सकते हैं जैसे पाकिस्तानी आवाम की दुआएं कर रही थी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जीते, न्यूजीलैंड जीते, और जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हो। अच्छा। और जैसे कि कल मैच हुआ है, 7 विकेट ली मोहम्मद शामी ने, और बड़ा मज़ा आया कल मैच देखने का। 7 विकेट, मैं स्पेशल मैच देखा एंड पे जाके, दे जब वो 7 विकेट मोहम्मद शामी लिया, उसमें मज़ा आया। जिस तरह आप बात कर रही हैं कि कल बदला लेगी, जब कल मैच होगा तो मैं दुआ मेरी जो है ना पूरी इंडिया के साथ है, मैं सपोर्ट भी इंडिया को कर रहा हूँ। और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया इस दफा जो है जाएगी वापस खाली हाथ ट्रॉफी लेकर। इंडिया की ट्रॉफी है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ट्रॉफी इंडिया की ही रहेगी, वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह बच्चे वो हर्ट हुए थे, अब तो वो जवान हो गए होने हैं, अब तो उनकी शादी शुदी हो गई होनी है, तो अब वो खुश होंगे, कल वो डोल्ड मक्का करेंगे, हम भी डोल्ड मक्का करेंगे जब इंडिया कल जीतेगा। अच्छा, इंडिया की टीम पर प्रेशर कितना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया छोटी टीम नहीं है, तो लिहाजा हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। आज उन्होंने जो साउथ अफ्रीका का हाल किया हम सब ने देखा। नहीं नहीं, देखे इंडिया प्रेशर में, अगर आप उनके विराट कोहली की बात कर ले, कल विराट कोहली ने सेंचुरी की है, जिस तरह वो प्रेशर नहीं लेते। विराट कोहली अगर जिस टीम में विराट कोहली हो तो वो चेज मास्टर हो, वहाँ पे प्रेशर नहीं होता, उनकी टीम प्रेशर लेती भी नहीं। अगर मोहम्मद शामी की बात करें, वो भी प्रेशर, उनके काफ़ी ऐसे बैट्समैन बॉलर हैं, वो प्रेशर नहीं लेते। तो ये बात जो जो आप आज जो साउथ अफ्रीका, जिस तरह आप मैच की बात करें, तो आज तो मुझे लग रहा था कि बॉलिंग पिच जिस तरह वो भी आउट जल्दी हो गए, वो भी आउट हो गए, और एंड पे उतनी इनकी बोले इतनी इस बार इतनी बोले थी, वो ईजिली उन्होंने स्कोर कर लिया। और आप देख सकते हैं कि 26 के 27 18-19 बॉलों में उन्होंने पूरा स्कोर कर लिया, तो इतने कल मुश्किल नहीं, कल जो है ना प्रेशर नहीं होगा इंडिया के। नरेंद्र मोदी साहब खुद आ रहे हैं स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ये फाइनल मैच देखने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा लें इस मैच की अहमियत क्या है? तो कल जीतेंगे मैच, और कल इनको जीत, कल नहीं 19 तारीख को, और वो सॉरी संडे वाले दिन, हाँ। वो जो मैच तो लाजमी ही जीतेंगे, और मेरी दुआएं खुद हैं, मैं सपोर्ट एज अ पाकिस्तानी मैच सपोर्ट करूंगा, और मैं दुआ करूंगा दिल से कि इंडिया जीते और मज़ा आए, और हम यहाँ पे सेलिब्रेट करें इंडिया के। जो ट्रॉफी है वो एशिया के अंदर होनी चाहिए, वो यूरोप कंट्री में कोई भी अंग्रेज़ के पास नहीं, यहाँ पे होनी चाहिए एशिया के अंदर। बेशक हमारे हमसाया मुल्क हमारा साथ ही है, पहले कोई अख्तलाफात आज हमारे हो गए हैं, तो हम पहले इकट्ठे ही रहते थे, हमारे एशिया में होने चाहिए, बेशक इंडिया को या पाकिस्तान, एशिया के अंदर होना चाहिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्लेयर है जो इंडिया को कल यानी कि संडे को टफ टाइम दे सकता है? मैक्सवेल की बात करें, अफगानिस्तान के मैच में जिसने डबल सेंचुरी की, मैक्सवेल आज हो रहा है, तो आज मैक्सवेल ने कुछ भी नहीं किया, तो अभी मुझे उनकी कोई टीम ऐसी लगती नहीं। वार्नर वो भी आज नहीं चले, तो इतनी टीम मुझे नहीं लग रही, हल्की है टीम उनकी। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया की टीम में जो है ना टफ है, वो टफ टाइम देंगे ऑस्ट्रेलिया को। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। तलहा सिद्दीक। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। मैं फोटोग्राफर हूँ। क्या कहेंगे 20 साल के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में
आमने सामने हो रहे हैं। अगर हम 2003 की बात करें तो लास्ट टाइम 2003 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें आमने सामने थी खेलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया जीत गई और 90s के बच्चों को बड़ा हर्ट हुआ इंडिया के हारने पर। तो क्या लगता है, क्या तारीख खुद को बदलेगी या फिर खुद को दोहराएगी? आई थिंक मुझे लगता है कि ना इस दफ़ा इंडिया जीत जाएगी, बिकॉज 2003 में जो फेस टू फेस हुए थे ना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था पूरा टूर्नामेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने लीग स्टेज से लेके ओवरऑल जितने भी मैच थे उन्होंने सारे विन किए थे। तो 2023 में ऐसे ही हो रहा है कि जैसे मतलब इंडिया भी लीग स्टेज भी सारे मैच जीत गया है और अभी सेमीफाइनल भी जीत गया है वो। तो आई थिंक मुझे जैसे लग रहा है इंडिया विन करेगा फाइनल। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया विन करेगा, क्योंकि क्यों? उनका अच्छा मतलब जो उनका मैक्सवेल देख लें उसके बाद स्टार की जो बोलेंगे ना इंडिया को ख़त्म करके रख देगी। आपने कहा इंडिया जीतेगा, डेफिनेटली इंडिया जीतेगा, तो उनका 20 साल पुराना जो है बदला पूरा हो जाएगा। इंडियन टीम आपको लगता है कि प्रेशर लेगी? इस दफ़ा इंडिया को प्रेशर नहीं है, इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर है, क्योंकि अभी जो सेमीफाइनल हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन बनाने थे तो वो भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने आगे बनाए हैं, तो अगर 20 रन ज़्यादा होते आए तो शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाता। तो जो इन्होंने इंडिया ने स्कोर बनाया है 400 रन बनाया है सेमीफाइनल में, एक सेमीफाइनल में 400 रन बनाना इतनी आसान बात नहीं होती। तो इंडिया इस दफ़ा प्रेशर नहीं ले रहा, प्रेशर इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को है। ऑस्ट्रेलिया ने आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला है, वो भी बड़ा अच्छा और कांटेदार मुकाबला था। साउथ अफ्रीका को इन्होंने स्कोर ही नहीं करने दिया ना। अब आप देखें कि 212 पे उनको ख़त्म कर दिया, उन वो आज से ज़्यादा स्कोर ही नहीं कर सके। वो असल में ना साउथ अफ्रीका जो है ना वो शुरू से ही चौक करते आ रहे हैं, चौकर बोलते हैं उनको। अच्छा। तो ये 1999 में भी और 2003 में भी ये सेमीफाइनल में हारे थे। अच्छा। तो इनकी गेम नहीं है सेमीफाइनल तक, ये ग्रुप स्टेज तक भी ठीक ही हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया तो है भी बड़े मुकाबलों के लिए, तो वो सेमीफाइनल में फाइनल में वो डोमिनेट करते हैं चाहे जैसी भी टीम हो। आप फाइनल में वैसे किन दो टीमों को देखना चाह रहे थे? मैं ऑफ कोर्स एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को ही देखना चाह रहा था। अगर पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता ना तो मतलब ऐसा फाइनल देखने को मिलता, मतलब और इससे बढ़कर क्या होता, इस बात कयामत ही होती अगर कुछ है तो, क्योंकि आप देख लेना आम से आम मैच हो पाकिस्तान और इंडिया का तो मतलब दिल धड़ धड़ करने लग जाते हैं, वही होता है ना, हार्ट बीट तेज़ हुई होती है। तो अभी फाइनल होता तो फिर क्या ही बात थी। आप किन को देखना चाह रहे थे? मेरा इंडिया था फेवरेट और सेकंड न्यूजीलैंड, जो कि बहुत बुरी हुई है उनके केन विलियमसन के लिए, मुझे बहुत दुख है क्योंकि वो मेरा फेवरेट प्लेयर है आउटसाइड कंट्रीज के। तो उससे पहले फर्स्ट फेवरेट है जो विराट कोहली है, और मुझे उम्मीद है कि वो फाइनल में भी परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर उसने ना भी किया तो उसने एक सेंचुरी बना दिया सेमीफाइनल में, तो उनके पास ऐसे इतने प्लेयर हैं कि कोई ना कोई एक सेंचुरी कर देगा तो वो इतना स्कोर उनका लेवल बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा? इंडिया का ही वर्ल्ड कप है ये तो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट चल रहा है शुरू से ही। 2019 में जाएं तो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड ही जीता था। 2015 में जाएं ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ही जीता था। तो आई थिंक ये स्क्रिप्ट चल रहा है और ये इंडिया ही जीतेगा वर्ल्ड कप। तो फिर मेरा ख्याल है अगला वर्ल्ड कप हम पाकिस्तान में रख लेते हैं ताकि पाकिस्तान भी जीते। ये तो फिर मुश्किल ही है, क्योंकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान होना मुश्किल है, अगर हो जाए तो शायद पाकिस्तान जीत जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? नेक्स्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही है जी, तो वो हमारी है, तो हम उनसे ले लिया और ये बस हम उन्हें माफ़ कर देते हैं ना, वो निवाज शरीफ शुभाष शरीफ पर छोड़ देते हैं, वो कर लेंगे।